तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम लोग जानेंगे कि लड़कियां जब का रिप्लाई करती है तो उसको उसका रिप्लाई कैसे देते हैं। जैसे कि आपको आपकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई भी दोस्त रिप्लाई देती है HMM, तो उसका हम लोग रिप्लाई कैसे करें, तो आज हम लोग वो सीखेंगे किसी और के द्वारा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, लड़का भेजेगा तो हम तो रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड ऑफ द टॉपिक। हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल ऑन चैट। मोस्ट ऑफ द केसेस मैं तो रिप्लाई करता ही नहीं हूँ, मैं तो अवॉइड कर देता। वाह भाई साहब वाह, अपने खुद खुद अवॉइड कर देते हो मगर दूसरे को सिखा रहे हो कि का रिप्लाई क्या करते हैं। वेरी नाइस। तो मैं इग्नोर मार देता हूँ या अभी हम लिख के खत्म कर देता हूँ, लेकिन सम टाइम आपको लगता है आपका मन होता है बात करने का। मन होता है बात करने का। ओहो, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हाय हाय, प्रमोशन चालू हो चुका है, प्रमोशन चालू हो। तो पहले आपको कोरोना हो चुका है, पहले हम आपको दवाई देना चाहते हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और सब कुछ करेंगे, मगर उसके पहले आपको जाके उस काउंटर पे जाके पैसा पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप पैसा पे कर दीजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद फिर हम आपको दवाई देंगे कोरोना का, ठीक है। वाहिया जो नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और मत भूलना, एकदम मत भूलना, सब एकदम मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। प्यारी सी लड़की की कसम, अरे भाई देखो कितनी अच्छी लड़की है, प्यारी सी लड़की की कसम है आपको, प्लीज कर देना मेरे को। मेरी कसम तो तोड़ दोगे पर इसकी नहीं तोड़ोगे ना। अरे भाई साहब क्या ही इमोशनल अत्याचार चल रहा है यहाँ पर। हाय राम हाय राम हाय। पहला रिप्लाई जो आप हम का कर सकते हो, HMM का कर सकते हो, वो है हम टू। क्या? ओह माय गॉड, मैं बता रहा हूँ जितने बंदे देख रहे हैं, हम टू रिप्लाई करोगे ब्लॉक हो जाओगे, इट इज द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओ, लड़की अगर आपको हम मैसेज की तो वो पहली चाह रही है कि बातें बंद हो जाए, तो अगर आप हम टू करोगे तो दैट डजंट मीन कि उधर से हम थ्री आएगा, ठीक है। हम थ्री नहीं आएगा, यहाँ पर नंबरिंग नहीं सिखाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। कहाँ से आते हैं लोग ऐसे, कौन लॉजिक दिखा रहा है। ये जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो भेजा करती थी, जब मैं उसको हम भेजता था तो वो हम टू भेज दिया करती थी। पहला चीज भाई, गाइस पहला चीज, पहली गर्लफ्रेंड तो वो तो पहले से ही गर्लफ्रेंड हो गई, तो तुम हम भेजो तो हम टू आएगा, हम थ्री आएगा, फिर वो हम इन्फिनिटी तक जाएगा। और सिंस शी इज ऑलरेडी अ गर्लफ्रेंड तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुम हम भेजो, तुम कुछ भी भेजो, तुम पुम भेजो, उम भेजो, कुम भेजो, कुछ भी भेजो, तुमको रिप्लाई आएगा, बिकॉज शी इज ऑलरेडी योर गर्लफ्रेंड, राइट। लॉजिक भाई, यहाँ यहाँ ऐसे बंदे की बात हो रही है, somebody who is trying, तो हम टू नहीं चलेगा। तो ये और उसके बाद में हम थ्री, वो फिर फोर या फाइव, ऐसे करके हम खेलते रहते थे। मैंने कहा था ये चीज। चलो दूसरा रिप्लाई आप हम का भेज सकते हो, अच्छा जी हम बोल के कन्वर्सेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई लिख दिया तो वो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन है। तो एक लड़की एक लड़का से पूछ रही कि चलो आज हम लोग रैकेट खेलने चलते हैं। तो लड़का बोला हम, लड़की बोली आई लव यू, लड़का बोला हम, ठीक है। तो एंड ऑफ कन्वर्सेशन मतलब समझ में आ गया ना, आगे कुछ नहीं बोला, हम टू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लड़का बोला आई लव यू लड़की को, लड़की बोली हम, कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है, एंड ऑफ कन्वर्सेशन होता है। तीसरा बहुत ही फनी है, अगर अच्छा तीसरा बहुत फनी है, ओके। अगर वो हम बोल भेजे तो आप नम पम डम सम कम भेज सकते हो। ओ भाई, अरे यार आर यू किडिंग मी, ये चौथा वाला तो बहुत ही सही है। ओ ब्लॉक जित जितने लोग देख रहे हैं भाई, ये सब मत भेजना, ब्लॉक हो, या तो ब्लॉक हो गए या तो बहुत ही क्रीपी कहलाओगे। सी भी है, के भी है, डी भी है, पी भी है, सब डालिए, पूरा अल्फाबेट लिख दो। और वो आप हम भेजे तो वो पम भेजो, वो तम भेजेगी, डम भेजो, कम भेजो, कुछ भी भेजते रहो, टाइम पास होता रहेगा। व्हाट व्हाट। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा ह्यूमरस है, आप चाहो तो उसको कह सकते हो एच के बाद एम नहीं आई आता है जी, तो हो सकता है उसको वो पसंद आए और उसके बाद कुछ और अच्छा सा रिप्लाई कर दे। बैडमिंटन खेलने चलोगी? नहीं, हाय वाहियात। फिफ्थ है, अगर वो सिर्फ HM लिखे तो आप उसे बोल सकते हो अच्छा तो आप होटल मैनेजमेंट करते हो।
पक्का या तो ये बंदा होटल मैनेजमेंट करता होगा या तो इसकी बंदी होटल मैनेजमेंट करती होगी। सिक्स पॉइंट है वो हम लिखे तो आप बोल सकते हो हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हम तेरी कसम। भाई इट इज सो क्रीपी। देखो हम सब चीज़ का एग्जांपल देंगे ठीक है, मतलब तुम कोई भी ऐसा लाइन बता दो जिसमें का हम का रिप्लाई होता है उसके बाद तुम कोई भी रिप्लाई कर सकते हो, कुछ नहीं। तुम हम के बाद दिल दे चुके सनम क्यों लिख सकते हो भाई, कोई भी ऐसा नहीं। अगर कोई रिप्लाई करे हम तो आप रिप्लाई आप दिल दे चुके सनम क्यों लिखोगे। अरे दिस इज ऑल फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी कमिटेड यार। भाई यही कुछ रिप्लाई हैं जो आप हम के भेज सकते हो। वैसे मेरी एडवाइस है अगर कोई हम भेजे तो इसका मतलब है वो आपसे बात नहीं करना चाहता, उसका रिप्लाई बिल्कुल भी मत किया करो, सीन करके एकदम छोड़ दिया करो। अरे भाई साहब पहले तो बता दिए उसके बाद फिर बोल दिए कि अरे बात ही नहीं करना चाहता। वाह मैं बोला ना, मैं पहले ही बोल दिया आपको वो चीज, देखो सीन करके छोड़ दिया करो भाई, बंदा सही बोल रहा है। कभी कभार ही ये टेक्निक का यूज किया करो, अदरवाइज हम का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है, इसका मतलब वो बंदा आप में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। देखो क्या बात है, वेरी नाइस नाइस, ये पॉइंट है भाई, दिस इज द पॉइंट विच ही डिडंट इंक्लूड इन दिस वीडियो। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड ऐसे वीडियोज अब आते रहेंगे। हम लोग थोड़ा फन करेंगे, फन ठीक है, फन करेंगे, फन फन। चलो बाय एंड एंजॉय, और हम का रिप्लाई हम 234 और हम कुम पुम कुम जो भी है व्हाटएवर मत करना ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच।